हाय एवरीवन, मैं हूँ डॉक्टर शालिनी और मैं हूँ एक नेचुरोपैथ, एमडी इन नेचुरोपैथी। नेचुरोपैथ अपने पेशेंट का ट्रीटमेंट हमेशा नेचुरल चीजों से करता है। तो आज मैं लेकर के आई हूँ बहुत ही लेंदी टॉपिक, और ये है तिल। सीसमी सीड है, और ये काफी लोग मुझे बोल रहे थे कि अब सर्दियाँ आ रही है, इसके बारे में बताओ। और मैं इतने दिन से इसलिए शांत थी क्योंकि गर्मी में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है इससे, इसीलिए सर्दी में ही कंज्यूम करना चाहिए। सर्दी का इन द सेंस कहने का मतलब है जब 25 डिग्री, 25 डिग्री से नीचे टेम्परेचर हो, तब आप इसको ले सकते हैं, और तभी ये आपको बहुत बहुत ज्यादा बेनिफिट दे सकता है। तो टू टाइप्स ऑफ सीसमी सीड होती है, इसलिए मैं फोटोग्राफ दिखा रही हूँ। एक व्हाइट होता है और एक ब्लैक होता है। तो सबसे पहले मैं इसका बेनिफिट बताऊंगी, और बहुत सारे बेनिफिट है। वेट लॉस तो होता ही है, लेकिन इसके अलावा इससे आप अपने लाइफ में काफी सारे प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे मैंने फ्लेक्सीड के बारे में बताया था या चिया सीड के बारे में बताया था। ये इस उसी तरह मैजिकल वर्क करता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको गुड न्यूज़ देना चाहती हूँ। एक्चुअली रेसिपी विद डॉक्टर शालिनी का जो जितने भी आर्टिकल्स हैं, या आई वॉन्ट बी के जितने भी आर्टिकल्स हैं, उसके लिए जिनको भी इंग्लिश में चाहिए था, प्रॉब्लम हो रही थी, और रिटर्न चाहिए था, उनके लिए खुशखबरी है। मैंने अपना वेबसाइट लॉन्च कर दिया है, www.drshalini.com। तो आप बिल्कुल विजिट कीजिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेगा, और आप उसमें फोरम भी है तो जाकर के वहाँ क्वेश्चन आंसर भी कर सकते हैं। तो जो लोग फेसबुक पे नहीं है वो डायरेक्टली वहाँ लॉग इन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए उसको, और वहां पर जाकर के अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, पुट अप कर सकते हैं। बिल्कुल अलग चैट रूम बनाया है, तो वहां पर काफी सारे लोगों से बात हो सकती है आपकी। उस चैट रूम में आप लोग एक दूसरे से अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हैं। ये वेबसाइट मैंने खुद बनाया है, तो कई बार आप जब लॉग इन करेंगे तो पेज क्रैश दिखाता है, तो दोबारा 2-3 बार ट्राई कर लीजिएगा। अब आते हैं आज के टॉपिक पर। सीसमी सीड तिल का बेनिफिट बताती हूँ मैं। ये बेबी के हेल्थ ग्रोथ में बहुत मदद करता है। आपका बच्चा जब इन्फंट रहता है, छोटा 6-3 साल से छोटा रहता है, तो उसमें इसकी टी पिलाई जा सकती है। बस ये ध्यान रखिएगा कि बच्चा 6 महीने से छोटा ना हो, 6 मंथ का हो जाए, उसके बाद इसकी चाय बना करके बिल्कुल उनको पिलाइए। बहुत हेल्प मिलता है उनका बॉडी ग्रोथ और सेल डेवलपमेंट और बोन का बहुत अच्छा बेनिफिट इसको मिलता है। उसके अलावा है ये हाइट ग्रोथ में बहुत हेल्प करता है। तो मैंने हाइट ग्रोथ के वीडियो में बताया भी था कि तिल को कैसे यूज किया जाता है, तो बिल्कुल हाइट ग्रोथ का वीडियो देखिए, और वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा। जिन लोगों को भी सांस के से रिलेटेड प्रॉब्लम है, रेस्पिरेटरी डिजीज जिसको भी है, अस्थमा है या ब्रोंकाइटिस है, ऐसे डिजीज में आपको ये सीसमी सीड बहुत हेल्प करता है, बहुत मदद करता है। लेकिन यहाँ पर ये ब्लैक वाला बहुत ज्यादा हेल्प करेगा जिनको भी सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम है। और व्हाइट और ब्लैक का कॉम्बिनेशन खाएंगे तो आपका हार्ट हेल्थ बहुत अच्छा रहता है, कोलेस्ट्रॉल नहीं बनती है, और दिल बहुत मजबूत होता है। जिनको भी हार्ट की ऑलरेडी प्रॉब्लम है, उनको अपने लाइफ में सफेद वाला तिल तो बिल्कुल ऐड करना चाहिए, कॉस्टली नहीं होता है। ये मैं दिखा रही हूँ, ये 200 ग्राम का पैकेट है, ये 49 या 47 रुपीज का है, तो बहुत महंगा नहीं होता, बहुत अफोर्डेबल रेट पर आपको ये मिलता है, और बहुत इजीली आप इसको कंज्यूम कर सकते हैं। बस ये याद रखना है कि टेम्परेचर 25 डिग्री से ऊपर ना हो, वरना ये गर्म कर जाएगी। उसके अलावा ये सर्दी के दिन में तो आपके लिए जादू है। जिन लोगों को भी प्रॉब्लम है हार्मोन से रिलेटेड, उनके लिए बहुत अच्छी चीज होती है। पोस्ट मेनोपॉज जिनको हो जाता है, उनके लिए बहुत बहुत अच्छा है। जिनको हॉट फ्लैश होता है, देखिए ये अपने आप में एक गर्म सीड है, उसके बाद भी आपको हॉट फ्लैश में बहुत मदद करेगा। फैटी लीवर में भी ये हेल्प करता है। सेक्सुअल हार्मोन जिनको कम होती है, टेस्टोस्टेरोन या एस्ट्रोजन की कमी होती है, ऐसे सिचुएशन में भी ये बहुत हेल्पफुल होता है। ब्लड प्रेशर आपका स्टेबलाइज करके रखता है, बहुत ही आराम से रखता है, ना ये बहुत हाई होने देगा ना लो होने देगा, तो बिल्कुल इसको अपने पेंट्री में ऐड करना ही करना है। ये प्रेग्नेंट लेडी के लिए मैजिकल फूड है। जो प्रेग्नेंट हैं ऑलरेडी, 2 महीने का गैप लगाना, 2 मंथ प्रेग्नेंट की बात नहीं कर रही, उस समय बहुत सोफिस्टिकेटेड बॉडी होती है, तो उस समय की बात मैं नहीं कर रही, लेकिन उसके बाद आप इसको अपने लाइफ में ऐड कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर इसको अपने लाइफ में ऐड करके रखेंगे तो आपका बेबी ग्रोथ आपके गर्भ के अंदर बहुत अच्छा होगा, और आप मोटे नहीं होंगे, जो वेट बढ़ जाता है, वाटर रिटेंशन हो जाती है, वो नहीं होगी। और वेट लॉस के लिए तो ये बढ़िया है ही, जो मैं बता रही थी एक्चुअली।
तो मैं यहाँ पर रेसिपी बता रही हूँ कि एग्जैक्टली इसको पेंट्री में रखना कैसे, कच्चा तो आप नहीं खा सकते ना, तो इसको फ्राई करके लेना होता है। ये वेट लॉस में बहुत अच्छा है, ये बेसिकली जो है अगर आप हर बीमारी से ठीक रहेंगे तो वेट लॉस हो ही जाएगा, और दिमाग पे बहुत अच्छा काम करता है ये, आपके माइंड को, आपके नर्वस सिस्टम को बहुत अच्छा सिग्नल देता है कि ये हर चीज को समझ सके, सोच सके, और उसके बाद आपके बॉडी को एक सिग्नल दे सके कि राइट टाइम पे राइट वर्क कैसे करना है। इसमें कैल्शियम बहुत अच्छा होता है जो बोन के लिए बहुत सही होता है। तो दो चीज जो मैंने अभी बताई कि जब प्रेग्नेंट लेडी होती है तो उनके बेबी का ग्रोथ बॉडी के अंदर बहुत अच्छा होगा, हाइट इंक्रीज बहुत अच्छे ढंग से हो सकती है, प्लस जब भी कैल्शियम किसी चीज में हाई होती है तो वो मेटाबॉलिक रेट को बहुत हाई कर देता है। तो जो भी अंदर बॉडी के अंदर फंक्शन चल रही होती है उसमें मेटाबॉलिज्म बहुत हाई हो जाती है। इसके अंदर होता है आयरन, बहुत हाई मात्रा में आयरन होता है, फाइबर होता है, वो तो नॉर्मली आपको पता है कि फाइबर होता है तो बहुत अच्छा रहता है डाइजेशन। मैग्नीशियम होता है, तो मैग्नीशियम का भी काम आपके बॉडी के मेटाबॉलिक रेट को हाई रखना है, और सिट्रिक एलर्जी से भी आपको मैग्नीशियम कहीं हद तक बचाता है। फॉस्फोरस है, तो आपके बॉडी में बोन का ग्रोथ और स्किन की डिजीज को कम करेगा। जिनको भी एक्जिमा की प्रॉब्लम होती है उनको सिसमी सीड बिल्कुल खाना चाहिए, तिल अपने लाइफ में ऐड करके रखना ही चाहिए। पोटेशियम है, तो वाटर रिटेंशन को कम करेगा, वाटर बैलेंस करता है बॉडी में, पोटेशियम हमेशा बॉडी को ठीक करके रखता है, और जितना भी एक्स्ट्रा वाटर होता है या लिथार्जिक हो जाते हैं आप, ऐसे में पोटेशियम आपको बहुत मदद करता है आपके बॉडी को स्वेलिंग, जो बेबी स्वेलिंग दिखती है या पफी आईज हो जाता है उसमें बहुत अच्छी चीज होती है। तो इट मींस पोटेशियम हाई है, तो रात में इंटेक जरूर होना चाहिए बिफोर स्लीप, जिसमें भी पोटेशियम हाई होती है उसको रात में जरूर खाना चाहिए। इसके अंदर है कॉपर, तो कॉपर का काम मैंने बहुत बार बताया है, जिसको भी कॉपर डिफिशियंसी है वो चाहे कितना भी कुछ भी कर ले, हीमोग्लोबिन की कमी रहेगी, आरबीसी काउंट भी कम रहेगा, हीमोग्लोबिन भी कम रहेगी। तो ऐसे सिचुएशन में हाई कॉपर फूड, आपको जो कुछ भी आप खाएंगे नॉर्मल डे टू डे लाइफ में, उससे हीमोग्लोबिन बनने में बहुत मदद करता है। एक तरह से ये ऐसा कर्मचारी हुआ आपके, ऐसा स्टाफ है आपके बॉडी के अंदर का कॉपर, जो कि आपके बॉडी को बहुत हाईली एक्टिव कर देता है ऐसे सिचुएशन में जहां आपका इम्यून सिस्टम बहुत टाइट हो जाए। मैग्नीज है, तो वो ब्लॉक करेगा आपके बॉडी को शुगर अब्सॉर्प्शन में। मैग्नीज का काम होता है बॉडी में, एक एडिटर का काम करता है मैग्नीज, हमेशा वो आपके बॉडी को इस ढंग से रखता है कि जो भी आपके बॉडी को सूट नहीं करती है वो चीजें नहीं लाने देता, और आपके हर तरह के मेटाबॉलिक रेट को बहुत ज्यादा हाई कर देता है, और बहुत बॉडी को दूसरे प्रॉब्लम से बचाता है। यहाँ पे मैंने इसको मीडियम फ्लेम में रोस्ट कर लिया है, अब इसको थोड़ा सा ठंडा होने दूंगी, उसके बाद इसको ग्राइंड करूंगी। और मैं हेल्थ बेनिफिट पे थी तो ये डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होगा, तो ये पाउडर बना के रखिएगा। और यहाँ पर मैं दूसरा दिखा रही हूँ आपको सिसमी सीड, जो ब्लैक रंग की होती है, डाइजेशन के लिए दोनों ही बेटर होता है, व्हाइट एंड ब्लैक दोनों ही बहुत अच्छा होता है, तो मेरे पेंट्री में दोनों होता है। और ये आपके ये डाइजेस्टिव प्रोटीन है, ये जो ब्लैक वाला है ना, जो भी काली चीज होती है वो हाई इन प्रोटीन होती है, तो ये डाइजेस्टिव प्रोटीन है। जो भी डाइजेस्टिव प्रोटीन होता है, जो भी प्रोटीन होता है, एक्चुअली प्लांट प्रोटीन है ना ये, तो इसको खाने से वो रिएक्शन नहीं होगा जो रिएक्शन नॉर्मल एनिमल प्रोटीन से हो जाती है, या फिर सोया से लोग बचते हैं जीएमओ की वजह से। मैं ये बता दूं, इंडिया में मोस्टली जीएमओ फ्री ही होता है सोया, बाहर थोड़ी प्रॉब्लम होती है, जहां अवेयरनेस ज्यादा वहां जितनी कंजम्पशन, तो एक्स्ट्रा पैदावार के लिए बहुत खाद का यूज होता है, ऐसे सिचुएशन में जीएमओ ऐड हो जाती है, लेकिन जहां पर उतनी कंजम्पशन नहीं वहां कितना जीएमओ डालेंगे, तो ये भी एक तरह का खाद और केमिकल ही होता है। बट यहां पर मैं प्रोटीन की बात कर रही हूं, तो ये डाइजेस्टिव प्रोटीन है और आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, आपके मसल्स के लिए अच्छा है, आपके ब्रेन के लिए अच्छा है, हर तरह से अच्छा है। ये ब्लैक वाली जो सीसमी सीड है, तिल है, ये आपके हेयर के लिए बहुत अच्छा होता है और स्कैल्प के लिए भी अच्छा होता है, तो बहुत जल्दी मैं बताऊंगी आपको इसके बारे में कि कैसे इसको यूज करना है। एथराइटिस पेशेंट, जिनको भी घुटने, कमर, ऐसी जगह पर, इनफैक्ट एथराइटिस आपके सिर्फ घुटने और जोड़ों पे, हर तरह के जोड़ पे हो जाती है, सिर्फ घुटने पे नहीं होती, ऐसे सिचुएशन में ये ब्लैक तिल आपके लिए रामबाण है, ऐसी औषधि है जो आपको बहुत ही जल्दी अच्छा कर देगी, तो इसका कंजम्पशन होना चाहिए। इसका भी फॉर्मूला वही होता है कि इसको भून करके अपने पास हमेशा रखें और अपने डे टू डे लाइफ में ऐड करें।
बाकी जो एक्स्ट्रा रेसिपी होगी वो मैं जरूर बताऊंगी। ये मैं स्टूडेंट को भी कहूंगी कि स्टूडेंट हेल्थ, ब्रेन की बात अभी मैं कर रही थी कि ब्रेन स्ट्रांग होता है इसके ऑयल से भी, जब खाएंगे तो इसका डायरेक्ट ऑयल आपके अंदर जाएगा, तो स्टूडेंट का ब्रेन भी बहुत अच्छा होता है। तो अभी जो लोग लेट नाइट स्टडी करते हैं उनके पास रोस्टेड ब्लैक वाला और वाइट वाला दोनों सीड होना ही चाहिए, बट ब्लैक सीड को बिल्कुल मत बोलिए, ब्लैक सीड तो होना ही होना चाहिए स्टूडेंट के पास खासकर, या फिर जिनको बहुत ज़्यादा बॉडी एक रहता है उनको, उनके पास भी होना चाहिए। आई एम सॉरी मैंने ये मोबाइल से लिया है, तो मेरी मेड खाना बना रही है तो वो भी उसमें आ रहा, फ्रेम बहुत बड़ी होती है मोबाइल की, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। ये आईज हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। एक्चुअली आज तक मैंने बात नहीं की है कभी भी आईज हेल्थ की, बस एक बार मैंने कैरेट वीडियो बनाया था तब मैंने आंखों के बारे में बात की थी। तो आंखों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ब्लैक वाली सीड, इसका और कैरेट सीड को अगर मिलाकर टी बनाते हैं और उसको पीते हैं तो आपको बहुत बहुत हेल्प मिलेगा। आंख का पावर बहुत धीरे धीरे जाता है, क्योंकि मैं इसको यूज कर रही हूँ, मैं खुद स्पेक्स पहनती हूँ, मैंने जो रिजल्ट देखा है वो 2-3 महीने में पॉइंट्स में जाता है, तो बहुत जल्दी चश्मा नहीं उतरता, लेकिन फिर भी इसका रिजल्ट है। और सब चीज़ का जिसका नहीं है मैं नहीं जानती, अभी मैं उस पर रिसर्च कर ही रही हूँ खुद के ऊपर, बट ये देखा है कि आइज के लिए ये सीरियसली बहुत अच्छी चीज़ है, क्लियरिटी आ जाती है। मुझे सिलेंड्रिकल प्रॉब्लम भी है, तो सिलेंड्रिकल प्रॉब्लम जिनको भी है उनको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, एक्सेस ठीक होगी, जिनका भी एक्सेस खराब है आइज का, और प्लस जिनको प्रॉब्लम है, जैसे हम लोगों को माइनस प्रॉब्लम है, प्लस की जिनको प्रॉब्लम है उनके लिए तो सीसम सीड बहुत अच्छी है ब्लैक वाली। उनका जो ढीली हो जाती है नस, प्लस आइज की प्रॉब्लम तभी आती है जब वेन्स ढीला हो जाता है, तो वो टाइटनिंग करता है ये, तो उनकी जल्दी जाएगी। और जिनको माइनस प्रॉब्लम है, दूर की नजर कमजोर है, उनका थोड़ा टाइम लगता है, और जिनकी नजदीक की है उनका जल्दी ठीक होता है। तो इसको बिल्कुल ऐड कीजिए, इसकी टी को, कैरेट सीड और इसकी चाय बहुत इंपॉर्टेंट है। इन फ्यूचर मैं बताऊंगी जरूर, अभी फिलहाल मेरा बहुत बड़ा लॉस हो गया है, मेरा पूरा 64 GB का कार्ड वॉश हो चुका है, तो वो मेरी गलती से हुआ, मैंने उसको फॉर्मेट कर दिया, और फॉर्मेट करने के बाद मैं खुद ही इतना घबरा गई कि मैंने फिर उस पर कुछ करने की कोशिश की तो उसके ऊपर भी राइट हो चुका है, तो वो फॉर्मेट किया हुआ भी नहीं आया, तो वेट लॉस चैलेंज अभी पॉसिबल नहीं है क्योंकि मेरा 64 GB का पूरा कार्ड वॉश हो चुका है, तो वो 1 महीने और लगेगा, मैंने दोबारा से मैं उसको बना रही हूँ। लेकिन यहाँ पर मैं ये बताऊंगी कि मैं उसके लिए प्रिपेयर आपको पहले से कर रही हूँ ताकि आप प्रिपेयर रहे उस चैलेंज के लिए, और इसलिए मुझे आज वीडियो इससे बनाना पड़ा क्योंकि न्यू कैमरा 7D का थोड़ा सा टेक्निक मुझे समझ नहीं आ रहा। तो यहाँ पर मैं इसको रोस्ट करके, यहाँ पर इसको पाउडर बना करके रखूंगी, और आधा जो है मैंने यहाँ पे 100 ग्राम रखा, तो 50 ग्राम को पाउडर बना लूंगी, और 50 ग्राम आप साबुत रखिए किसी भी चीज में डालने के लिए, पाउडर बहुत इंपॉर्टेंट है और होल सीड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो दोनों ही करेंगे। तो यहाँ पर पूरा पार ग्राइंड किया है, बिल्कुल पाउडर नहीं बनाया है, थोड़ा सा ग्रैनुलेटेड है, तो ग्रैनुल्स रह गए हैं इसमें, ये आप देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये हो ही हो, तो ये आप जरूर रखिए अपने पास। इसके अलावा जो ब्लैक सीड है उसका भी मैं पाउडर बनाऊंगी और उसको भी रखूंगी, और थोड़ा साबुत रोस्टेड रखूंगी, लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा कि इसको कच्चा नहीं खाते हैं, कच्चा खाएंगे तो स्टमक एक होने लगेगा, पेट में दर्द होगा और एसिडिटी हो जाएगी ऐसे सिचुएशन में जब आप इसको कच्चा खा लेंगे। और अभी सर्दियां आ रही है तो इंडिया में तो और भी सस्ती हो जाती है ये चीज, तो बिल्कुल आपके पैंट्री में होना ही चाहिए ये। वैसे ही आपको लोकल ग्रोसरी स्टोर पे मिल जाएगा, बट मैं फिर भी लिंक दे दूंगी व्हाइट वाला तिल का भी और ब्लैक तिल का भी, ये सेकंड है जो मैंने रोस्ट किया था। ये ध्यान रखिएगा जब ये हल्की ठंडी हो जाए तब इसको पीसेंगे, गर्म अगर करेंगे आप तो ये इसकी ढक्कन उड़ जाएगी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है अंदर गैस बनती है, तो ये इसको भी मैं पीस लूंगी अच्छी तरीके से। इसको थोड़ा सा ग्रैनुलेटेड रखना है जो मैंने कहा कि बिल्कुल पाउडर नहीं करना है, क्योंकि इसका फाइबर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बोल रही हूँ आपको कि फाइबर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको एक स्पीड पे मत पीसिएगा, ग्रैनुल्स रहेंगे तो आपके बॉडी में जाएंगे, तो जिनको भी कॉन्स्टिपेशन की बहुत हाई प्रॉब्लम है, जो इस कॉन्स्टिपेशन से जूझ रहे हैं उनके लिए, या व्हाइट और ब्लैक दोनों मिलाकर खाएंगे उनके लिए बहुत 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 अच्छा होगा। और ब्लैक वाला ये तिल आपके हीमोग्लोबिन को बहुत ज़्यादा हाई करता है, इसमें आयरन बहुत हाई होती है। एक चीज़ ब्रेन में हमेशा रखना, चाहे ब्लैक सोयाबीन आप यूज़ करें या ब्लैक तिल यूज़ करें या ब्लैक रंग की राइस यूज़ करें, सब में प्रोटीन हाई होगी और वो सारी चीज़ें आपके हीमोग्लोबिन को बहुत हाई करेगी, ये हमेशा ध्यान रखिएगा।
तो ये मैं सारे बॉक्स में भर रही हूँ क्योंकि ये आप बाहर नहीं रख सकते हैं, ये क्योंकि फुल ऑफ ऑयल होता है तो खराब हो जाएगी, तो इसको सारी चीजों को आपको फ्रिज में रखना होगा। तो मैं इसको फ्रिज में ही रखती हूँ। इसके अलावा मैं दिखाऊं, मैं फ्रिज में हमेशा रोस्टेड मूंगफली पीनट्स होता ही होता है हाफ के जी के करीब, और ये है फ्लेक्सीड, ये मैं आधा रखती हूँ भून के जो रखती हूँ, थोड़ा सा पाउडर भी बना के रखती हूँ, तो ये डेली यूज में होता है, तो आप भी ये जरूर कीजिए। जस्ट एन आइडिया मैंने ये आपको बता दिया कि ऐसे करना चाहिए, और इस विंटर में आप भी यूज कीजिए तिल को भी, फ्लेक्सीड को इस हर तरह से, और चिया सीड को, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लाइफ में, तो आपके फ्रिज में होना चाहिए। बाहर रहने पे समटाइम ये खराब हो जाती है, और ये प्रिपेयर करके रखिए कि किसी चीज पर भी आप स्प्रिंकल करके इसको खा सके। एक रूल फॉलो नहीं करना पड़ता टेबलेट की तरह, जब भी आप खाना खाते हैं तो इसको बिल्कुल ऐड कीजिए और फॉलो कीजिए। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है क्योंकि मुझे इसके बारे में सब कुछ डिस्क्राइब करना था जो छोटे वीडियो में नहीं पॉसिबल थी। तो सीसमी सीड पर अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर करें, इसको थम्स अप करें, मेरी वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरों को भी हेल्प मिल पाए, प्लेलिस्ट में ऐड करें ताकि बाद में आप इसको देख सके, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को अगर नहीं किया है तो, ताकि फ्यूचर के अपलोड का अपडेट आपको मिल सके। तो फिर मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे किसी रेसिपी इन्फॉर्मेशन स्किन केयर या हेयर केयर के साथ, तब तक के लिए बाय।